तारीख कुछ इस तरह के असबाब होते हैं, कुछ इस तरह के लेसन होते हैं जो इंसान की साइकी के अंदर सब्त हो जाते हैं और उसे उसके दिमाग के नेहां खानों में इस तरह की चोटें करते हैं कि उसके आने वाली नस्लें भी याद रखती हैं, यानी कि जीन के अंदर सब्त हो जाते हैं। मैं जब ये मीनारों को देखता हूँ, इन दीवारों को देखता हूँ, इन कोहकारों को देखता हूँ, जमीन के ऊपर सरदार सब घास को देखता हूँ, तो मेरे जहन के अंदर एक बिल्कुल नई चीज और तरह अल्फाज नहीं मिलते, जज्बात मिलते हैं, उनका एहसास करना मुझे आता है, उनको बाहर निकालना, उनको अच्छे तरीके से पेश करना मुझे आता है। इंसानी नजर है ना, इंसानी बसीरत है। अभी मैं जब इस तरफ देखता हूँ तो ये नीलों आसमानों के ऊपर बुलंद मीनार और ये बड़े बड़े गुंबद मेरे दिमाग के अंदर और मेरे जहन के अंदर एक अजीब सी खुलबुली मचाते हैं। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं किसी तारीख की किताब में बंद हो गया हूँ, उसके औराक पलटे जा रहे हैं और मुझे बाहर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल। ऐसे लग रहा है जैसे किसी नावल का मैं कुछ जीता जागता किरदार हूँ, जैसे किसी तारीखी अफसाने का कोई कैरेक्टर हूँ। मुगलों के दौर में जी रहा हूँ, लोधियों के दौर में जी रहा हूँ। उस तरफ देखो, इस तरफ देखो, इस तरफ भी देखो, अजीब सी चलती है। अगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखें उनको यूरोप में दिल होता है दोबारा। भुला दी हमने जो मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान हमको दे मारा।